नमस्कार, मैं हूँ रितिका और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिविजन। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए का हिस्सा रहे शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पीठ में चूरा भोपने का आरोप लगाया है। नड्डा ने कहा कि सीएम बनने की चाहत में ठाकरे ने हमारी पीठ में चूरा भोका, नतीजों के बाद वे बदल गए, यहां तक कि अपनी विचारधारा से भी समझौता कर लिया। यह सरकार जो बनी थी, यह सरकार चुनाव के दौरान हम जब आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र, और इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े थे। उद्धव ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा देकर कुर्सी की गद्दी के लालच में आकर उनके साथ जाकर के मिल गए जिनके खिलाफ बाला साहब देवरस सारी जिंदगी लड़ते रहे, वही कांग्रेसी और वही एनसीपी के साथ जाकर के मिल गए। और किस लिए मिले? कुर्सी के खातिर विचारों को का बलिदान दे दिया, वैचारिक पृष्ठभूमि को भूल गए। जो राष्ट्रवादी ताकतों के साथ खड़े होते थे उन लोगों ने नए चेहरे, नए नकाब, नए मुखौटे पहन करके वो खड़े हो गए। लेकिन आप जानते हैं असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली रह गया, असली वापस आ गया और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के फिर से राष्ट्रवादी तरीके से सरकार बनी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की। मान सरकार नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब नशा बेचने वालों की संपत्ति को अटैच किया जाएगा और गंभीर मामलों में संपत्ति कुर्क पर भी विचार किया गया है। नशे से जुड़े कानूनों में भी संशोधन करने पर विचार किया गया है। वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि नशा मुक्त गांव की पंचायतों को ग्रांट दिया जाएगा। अगर किसी इलाके में नशा तस्करी का मामला सामने आता है तो वहां का स्थानीय SHO जिम्मेदार होगा। जबरन वसूली वाली कॉल को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की गई। एक्सटॉर्शन कॉल पर मान सरकार ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के हुक्म दिए हैं। पश्चिम बंगाल में हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार को पथराव की घटना सामने आई थी। न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा लौट रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थर फेंके गए थे। मालदा जिले के कुमारगंज के पास यह घटना हुई। रिपोर्ट के मुताबिक पत्थर लगने से ट्रेन के C13 कोच के गेट के शीशे में दरार आ गई। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और TMC कार्यकर्ताओं पर वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे TMC की साजिश करार दिया है। झारखंड में जैन तीर्थ समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस बनाए जाने का विरोध कर रहे जैन मुनि सुयेक सागर महाराज ने मंगलवार को प्राण त्याग दिए। वे झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। सुगेई सागर 72 साल के थे। झारखंड सरकार के फैसले के बाद सुगेई सागर सांगानेर में 25 दिसंबर से अनशन कर रहे थे। मंगलवार सुबह उनकी डोल यात्रा सांगानेर संगीजी मंदिर से निकाली गई। इस दौरान आचार्य सुनील सागर सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के लोग मौजूद रहे। जैन मुनि को जयपुर के सांगानेर में समाधि दी गई। झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को टूरिस्ट प्लेस घोषित किया है। इसके खिलाफ देश भर में जैन समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पारसनाथ पहाड़ी दुनिया भर के जैन धर्म के लोगों में सर्वोच्च तीर्थ समेत शिखर के तौर पर प्रसिद्ध है। सिनेमा हॉल मालिक हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने के लिए पूरी तरह हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। CGI ने कहा सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को ना खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने यह भी दोहराया है कि सिनेमा घरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मल्टीप्लेक्स
पार्क्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद का खाना पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई। फोर्टो थिएटर मालिकों और मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से हाईकोर्ट के 2018 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के एक बेंच पर सुनवाई कर रहा था। जम्मू के डांगरी गांव में मंगलवार सुबह दो दिनों में आतंकी हमलों में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग डांगरी पहुंचे। छह लोगों की मौत के बाद लोगों की आंखें नम और उनमें पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था। डांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में एक ग्राम रक्षा समिति थी, लेकिन पुलिस ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से हथियार ले लिए थे। उन हथियारों को फिर से अलॉट भी नहीं किया गया। अगर वीओसी के लोगों के पास हथियार होते तो वे रविवार को आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देते। धीरज शर्मा का कहना था कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाला है, ऐसे में अब लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने अभियान को तेज कर दिया है। इसकी शुरुआत इसी महीने से होगी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा प्रवास नामक अभ्यास के तहत जनवरी में 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से होगी। 4, 5 और 6 जनवरी को त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर का दौरा करेंगे। 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ और झारखंड जाएंगे। इसके बाद वह 8 जनवरी को आंध्र प्रदेश के दौरे के साथ दक्षिण की ओर रुख करेंगे। शाह के 28 जनवरी को कर्नाटक जाने की संभावना भी है, जहां इस साल के अंत में फिर से मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का वर्चुअली उद्घाटन किया। इवेंट का फोकस महिला सशक्तिकरण के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर रहा। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा, उससे भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। पीएम मोदी आगे बोले, टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव है। 2015 तक हम 130 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 51वें स्थान पर थे, लेकिन 2022 में हम 40वें स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टार्टअप में भारत टॉप 3 पर है। महिलाएं भी आगे आकर इसमें हिस्सा ले रही है। हर क्षेत्र की तरह साइंस में भी महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच के विवाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस पूरे विवाद में कहा कि महिला कोच अनगर्ल बयान दे रही है। आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं होता, उसकी पुलिस छानबीन करती है। इसके बाद ही यह सिद्ध होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वह सही है या नहीं। खट्टर ने इतना जरूर कहा कि मंत्री को खेल विभाग से हटा दिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा पुलिस की टीम भी तथ्यों का पता लगाने में जुटी हुई है। जो भी सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में मंगलवार को यूपी पहुंची। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने भाई राहुल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राहुल और प्रियंका करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद वापस दिल्ली लौट गए। इस बात की पुष्टि यात्रा से जुड़े सुरक्षा अधिकारी ने की है। राहुल और प्रियंका एक ही कार से खजूरी पुस्ता रोड होते हुए दिल्ली गए हैं। पुलिस के इस वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राहुल और प्रियंका गांधी कल सुबह दिल्ली से कार से चलेंगे और बागपत पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।